आज अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का दूसरा मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है ब्रह्मचारिणम पितरो देवजनाः सर्वे पृथक देवाः अनुसंयन्ति। पितर लोग जो रक्षा करने वाले हैं, पितर जो रक्षा करते हैं उनको पितर नाम से कहा जाता है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं आदि आदि, और समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारी अनेक प्रकार से रक्षा करते हैं, अनेक दुखों से बचाते हैं, आपत्तियों से बचाते हैं, उनको पितर कहते हैं। और देवजन जो विद्वान हैं समाज के अंदर वो देवजन कहलाते हैं। और पृथक सर्वे देवा, और भी जो इनके अतिरिक्त अच्छे अच्छे लोग हैं, परोपकारी लोग हैं, समाज सेवक हैं, ये सब के सब ब्रह्मचारिणम अनुसंयन्ति, ये ब्रह्मचारी के पीछे चलते हैं। अनुसंयन्ति उसका अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। गंधर्वाह एवं अन्वायन, और जो गंधर्व होते हैं वो भी इसी प्रकार से ब्रह्मचारी के पीछे चलते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसको सहयोग देते हैं। तो देवता कितने हैं? मंत्र में बताया है त्रयः, तीन देवता हैं, मुख्य रूप से तीन देवता हैं। फिर त्रिंशत्, फिर बताया तीस देवता हैं, फिर बताया त्रिशताः, 300 देवता हैं, और फिर बताया षट सहस्राः, 6000 देवता हैं। तो सबको जोड़ेंगे तो 6333 बनेंगे, इतने देवता हैं। स सर्वान देवान तपसा पिपर्ति, ये जो ब्रह्मचारी है, स वह ब्रह्मचारी अपनी तपस्या से सर्वान देवान पिपर्ति, उन सब देवताओं को तृप्त करता है, प्रसन्न करता है। कैसे करता है? तपस्या से। तो ब्रह्मचारी का जो मुख्य शस्त्र है, मुख्य हथियार है, वो तपस्या। इस ब्रह्मचर्य सूक्त में बार बार इस बात को दोहराया जाता जा रहा है, आगे भी दोहराएंगे कि ब्रह्मचारी का मुख्य काम है तपस्या करना। वो तपस्या करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, मन पर संयम रखता है, इंद्रियों पर संयम रखता है, सांसारिक विषयों की ओर नहीं भागता। वो ब्रह्मचारी इष्णन, कल के मंत्र में बताया था, वो ब्रह्म की इच्छा करता है, ईश्वर की इच्छा करता है, क्योंकि ईश्वर इस संसार का सबसे बड़ा राजा है, उसके पास सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं। तो जब ब्रह्मचारी ब्रह्म में विचरण करता है, ब्रह्म की इच्छा करता है, ब्रह्म की उपासना करता है, तो ब्रह्म के आदेश का पालन करना पड़ेगा, तभी वो ब्रह्म की इच्छा और उसके प्राप्ति कर पाएगा। तो ब्रह्म ईश्वर कहता है कि भोगी विलासी मत बनो, विषय लोलुप मत बनो, मन इंद्रियों पर संयम रखो, अपनी बाह्यमुखी वृत्ति को रोको और अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाओ, और अंदर बैठकर साधना करो, तपस्या करो, ध्यान करो, उपासना करो, व्यायाम करो, मन इंद्रियों पर कंट्रोल करो, ये तपस्या है। ऐसा करने से मैं तुम्हें सारी चीज़ें दूंगा। तो धीरे धीरे ईश्वर की सब शक्तियाँ हमको मिलेंगी। ब्रह्मचारी को जो भी इस तरह की तपस्या करेगा उसको ये सब चीज़ें मिलेंगी।
और धीरे धीरे वो ब्रह्म तक पहुंच जाएगा जिसकी वो इच्छा करता था, जिस कारण से उसका नाम ब्रह्मचारी रखा था, तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। तो इस मंत्र में जो बताया है कि सब देवता उसकी उसका अनुकरण करते हैं, पितर भी, देवता भी और गंधर्व भी, तीनों। तो अगर हम अपने शरीर से संबंधित विचार करें तो ये जो हमारे शरीर में देवता बताए हैं, कितने बताए, 6,333। तो पहले तीन देवता बताए, तो पहले तीन मुख्य नाड़ियां हैं, हम अपने शरीर के साथ जोड़ के व्याख्या करेंगे। तो हमारे शरीर में मुख्य नाड़ियां तीन हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीन नाड़ियां प्रसिद्ध हैं, ये शब्द आपने पहले भी सुने होंगे। तो इनमें जो प्राण है वो इनमें विचरण करता है, तीन नाड़ियों में। ये तीन देवता हो गए। फिर आगे बृहदारण्यक उपनिषद में इस पर विस्तार से व्याख्या की है। महर्षि याज्ञवल्क्य का एक संवाद चल रहा था वहाँ सभा में, तो कोई दूसरा विद्वान था जिसने बहुत से प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने फिर ये सारी व्याख्या विस्तार से बताई कि उसने पूछा कितने देवता है, उन्होंने कहा तीन देवता है। फिर पूछा कितने देवता है, उन्होंने कहा 30 देवता है। फिर पूछा कितने देवता है, फिर कहा 300 देवता है। फिर पूछा कितने देवता है, फिर कहा 6,000 देवता है। तो ये सारी चर्चा वहाँ विस्तार से आती है। तो वो कौन से देवता हैं, तीन जो मुख्य नाड़ियाँ हैं, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। फिर इनके 10-10 भाग हो जाते हैं, एक एक नाड़ी के 10-10 हिस्से हो जाते हैं, वो उसकी शाखाएं, उप शाखाएं बनती जाती हैं। तो तीन की 10-10 कर दो तो कितनी हो गई, 30 हो गई। तो तीन वो हो गई, फिर उसकी 10-10 शाखाएं, 30 हो गई, फिर उनकी 100-100 शाखाएं, ऐसे नाड़ियां बढ़ती जाती, वो 300 हो गई। और फिर आगे खूब सारी नाड़ियां बनती जाती हैं, उनकी उप शाखाएं बनती जाती हैं, तो उसकी संख्या 6,000 बताई। फिर वहाँ तो और भी अधिक बताई, ये तो संकेत मात्र है, 3, 30, 300 और 6,000। फिर आगे 72,000 ऐसी भी बताई उपनिषद में, एक एक नाड़ी में से 72,000 नाड़ियाँ हृदय में से निकलती। तो इस प्रकार से ये बहुत सी नाड़ियाँ हो जाती हैं, आसु व्यानश चरती। इन सब नाड़ियों में व्यान विचरण करता है, व्यान नामक प्राण इन नाड़ियों में चलता है और वो इन नाड़ियों में रक्त का संचार करता है, आदि आदि इस प्रकार के उसके कार्य हैं। तो ब्रह्मचारी इन सारे देवताओं को प्रसन्न करता है। वो कैसे प्रसन्न करता है, प्राणायाम करता है। तो प्राणायाम करने से वो जो ये हजारों नाड़ियां हैं इनमें जो प्राण चलता है, तो प्राणायाम करने से वो प्राण शुद्ध होता है, नियमित रूप से चलता है, नियंत्रित रूप से चलता है। तो जब ब्रह्मचारी प्राणायाम करता है तो उससे प्राण संतुष्ट होता है, तृप्त होता है। इस प्रकार से सारे देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं। फिर और इस बात को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे अंदर कुछ कर्मेंद्रियां हैं, कुछ ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन है। तो कर्मेंद्रियों को गंधर्व नाम दे दिया, ज्ञानेंद्रियों को देव कह दिया और मन जो इंद्रिय है उसकी जो वृत्तियां हैं उसको पितर कह दिया। तो ये सारे देवता मन और इंद्रियां ही हैं। इनके अंदर जो वृत्तियां उठती हैं, जो क्रियाएं होती हैं इनकी, इंद्रियों की और मन की, उन सब वृत्तियों को ब्रह्मचारी नियंत्रित करता है। जब मन की वृत्तियों को नियंत्रित करता है, कर्मेंद्रिय की वृत्तियों को
कार्यों को नियंत्रित करता है, ज्ञानेन्द्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, वेदानुकूल धर्मानुकूल चलाता है, तो ये सारे देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं और उसके वश में रहते हैं, उसके संयम से ये सब तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। समाज के अंदर भी जो देवता हैं वो तीन प्रकार के हैं, एक ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं। तो ब्राह्मण को देव कहेंगे, वो विद्वांसो ही देवा, वो देव कहलाते हैं। और जो क्षत्रिय हैं वो पितर कहलाते हैं, क्षत्रिय रक्षा करते हैं और पितर का काम है रक्षा करना, तो वो पितर कहलाते हैं समाज में। और जो वैश्य हैं वो गंधर्व कहलाते हैं, वो धन संपत्ति आदि का संचय करते हैं और उससे फिर समाज की रक्षा करते हैं। इस तरह से सामाजिक दृष्टि से देखें तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यही देव पितर और गंधर्व हैं। जब ब्रह्मचारी तपस्या करता है, अपने ज्ञान विज्ञान का विकास करता है, प्राणायाम करता है, ईश्वर उपासना करता है, तो उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ विकसित होती हैं। सब मन इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, काम क्रोध लोभ दोष सब जीत लेता है, अभिमान आदि दोषों को जीत लेता है। तो जिस व्यक्ति में इतनी योग्यता हो जाती है वो काम क्रोध लोभ अभिमान आदि दोषों को जीत लेता है और सब मन इंद्रियों का संयम से प्रयोग करता है, तो समाज के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब उससे प्रभावित होते हैं, सब उससे तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जब उससे प्रसन्न होते हैं, प्रभावित होते हैं, तभी वो उसका अनुकरण करते हैं, फिर जो संदेश आदेश निर्देश देता है सब लोग उसको फॉलो करते हैं। अभी पिछले दिनों की बात देखें महर्षि दयानंद जी की, तो बहुत अच्छे तपस्वी ब्रह्मचारी थे, उनके अंदर ये सारे गुण थे, तो उनसे सब समाज के लोग प्रभावित थे, विद्वान भी प्रभावित थे, राजा भी प्रभावित थे और वैश्य लोग भी, तो सब उनके निर्देश आदेश का पालन करते थे। बुद्धिमान लोग ही वो देवता कहलाते। बाकी तो कुछ असुर होते हैं, दुष्ट वृत्ति वाले, वो तो कभी नहीं सुधरते, वो तो विरोधी करते हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं। तो जो इस प्रकार के देवता पितर गंधर्व होते हैं वो ब्रह्मचारी के अनुकूल हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर सूर्य पृथ्वी आदि ये सब द्यूलोक की शक्तियाँ, ये देव गंधर्व और पितर हैं। भूलोक की शक्तियाँ जो हैं वो गंधर्व हैं। गौ पृथ्वी का भी नाम है और गाम धरती इति गंधर्वा, जो पृथ्वी को धारण करती हैं शक्तियाँ वो सारी गंधर्व शक्तियाँ हैं। और अंतरिक्ष जो है वो पितर है और द्युलोक उसकी जो दैविक शक्तियाँ हैं सूर्य आदि की, ये ब्रह्मांड के अंदर इस तरह से संगति लगा देंगे। तो ये सारी शक्तियाँ परमात्मा रूपी ब्रह्मचारी का अनुकरण करती हैं, ईश्वर के नियमों का पालन करती हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक में जो ईश्वर ने नियम बना रखे हैं वो सारे, ये सारे पदार्थ ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते। और इधर ब्रह्मचारी जो तपस्या करता है तो ये सब पंचमहाभूत भी उसके अनुकूल हो जाते हैं, वो संयम से खाएगा, संयम से रहेगा, ठंडी गर्मी का ठीक ठीक प्रयोग करेगा, अपनी सुरक्षा रखेगा, गर्मी होगी तो गर्मी से बचाव करेगा, ठंडी होगी तो ठंडी से बचाव करेगा, सब काम बुद्धिमत्ता से करेगा और कुछ कुछ गर्मी ठंडी को सहन भी करेगा, वो उसकी तपस्या कहलाती है। तपस्या भी बुद्धिमत्ता से करनी चाहिए, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह पर वर्जित है, तो अति कहीं भी नहीं करनी चाहिए, तपस्या करो। महर्षि व्यास जी ने वे योग दर्शन के भाष्य में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए, परंतु ऐसी तपस्या ना करे योगाभ्यासी कि वो रोगी हो जाए, रोगी नहीं होना चाहिए, स्वस्थ रहते हुए वो थोड़ा थोड़ा तप करे। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी अनेक ढंग से तपस्या करता है, प्राणायाम करता है, योगाभ्यास करता है, भूख प्यास गर्मी ठंडी को सहन करता है, सुख दुख को सहन करता है, हानि लाभ को सहन करता है, मान अपमान को सहन करता है,
और इस प्रकार से वो सब देवताओं को प्रसन्न करता है और फिर सारे देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मचारी हमको भी बनना है, बनना चाहिए, और जब हम ऐसे ब्रह्मचारी बनेंगे तो फिर उसका समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, समाज के लोग भी हमारे अनुकूल होंगे और हमसे बहुत सारा लाभ उठाएंगे, हमको भी लाभ देंगे और वो हमसे लाभ उठाएंगे। तो इस प्रकार की बातें आज के मंत्र में बताई गई।